आगे सबक देखिए भाई, बाबू हज़ानतिल वलदि वमन अहक्कु बिही वइदा वक़अतिल फ़ुरक़तु बैना ज़ौजैन फल उम्मु अहक्कु बिल वलद लिमा रुविया अन्ना इम्रअतन क़ालत या रसूल अल्लाह इन इब्नी हाज़ा कान बतनी लहू विआउं व हिजरी लहू हिवाउं व सदी लहू सिक़ाअ وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تتزوجي। गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर निकाह के बाद एक औरत ने 6 माह से पहले बच्चे को जन्म दिया तो इस सूरत में इस बच्चे का नसब साबित नहीं होगा भाई, इसलिए क्योंकि इतनी मुद्दत में हमल भी ठहर जाए और एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश भी हो जाए यह मुमकिन नहीं। तो मालूम हुआ यह उलूक निकाह से मुकद्दम हुआ है भाई। और अगर औरत बच्चे को ले आई निकाह के 6 माह या इससे ज्यादा के बाद तो फिर इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा भाई। फिर अगर औरत बच्चे को ले आई और खावंद उसकी पैदाइश का इनकार करता है कि ये इस औरत का बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा ले आई है, तो इस सूरत में एक औरत की गवाही से भी वलादत साबित हो जाएगी भाई। और हत्ता कि अगर खावंद ने इस बच्चे की नफी की उसके बाद भी कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो इस सूरत में लियान साबित हो जाएगा भाई। और अगर बच्चे की पैदाइश के बाद मियां बीवी में इख्तलाफ हुआ, खावंद कहता है कि हमारे निकाह को हमारी शादी को सिर्फ 4 माह हुए हैं और बीवी कहती है नहीं कि हमारी शादी को 6 माह हो चुके हैं, तो इस सूरत में औरत का कौल मुअतबर है। हालांकि फिका का ज़ाबता है कि अलहादिसु युज़ाफ़ु इला अक़रबिल औक़ाती, जो चीज नई पेश आए उसकी निस्बत करीबी वक्त की तरफ की जाती है, और करीबी वक्त तो खावंद बयान कर रहा है कि वो सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा है और औरत 6 महीने कबल की बात कर रही है, तो लिहाजा खावंद के कौल को मुअतबर होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि शरीयत में पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह बच्चे का नसब साबित हो जाए, लिहाजा अलहादिसु युज़ाफ़ु इला अक़रबिल औक़ाती इस ज़ाब्ते को तर्क कर दिया यहां पर, इसलिए क्योंकि औरत के कौल को लिया जाए तो नसब साबित होता है और मर्द के कौल को लिया जाए तो नसब साबित नहीं होता, तो इसलिए यहां औरत का कौल मुअतबर है भाई। और नीज इसके अंदर औरत पर कसम भी नहीं है इमाम साहिब के नजदीक भाई। उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि जब तू बच्चे को जन्म दे तो तुझे तलाक है, और इससे माकबल में खावंद ने इस हमल का इकरार भी नहीं किया और औरत का हमल भी जाहिर नहीं है। फिर उसके बाद एक औरत ने आकर गवाही दी कि इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, तो इस सूरत में उसका नसब तो साबित हो जाएगा लेकिन तलाक साबित नहीं होगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि तलाक भी साबित हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश और एक औरत की गवाही से साबित हो गई तो इसी पैदाइश पर दारोमदार था तलाक का भी, क्योंकि तलाक भी इसी पैदाइश पर मुअल्लक थी। तो जब पैदाइश एक औरत की गवाही से साबित हो गई तो जिस चीज की बुनियाद इस पैदाइश पर है यानी तलाक, वो भी साबित हो जाएगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, औरत की गवाही को शरीयत ने जो यहां मुअतबर करार दिया है वो जरूरत और हाजत की वजह से है, इसलिए क्योंकि हदीस में आया है कि औरतों की गवाही जायज है उन चीजों में जिनकी तरफ मर्द देखने की इस्तेआत नहीं रखते भाई, तो लिहाजा यहां औरत की गवाही जरूरत और हाजत की वजह से कबूल की जाएगी। और इस गवाही के जरिए पैदाइश साबित हो गई तो जरूरत और हाजत पूरी हो गई, लिहाजा तलाक इसके जरिए साबित नहीं होगी। तलाक के लिए एक अलग मुस्तकिल हुज्जत चाहिए, यानी 2 मर्द गवाह चाहिए या 1 मर्द और 2 औरतें गवाह चाहिए भाई। और अगर खावन ने पहले हमल का इकरार किया था कि औरत हामिला है या उसका हमल जाहिर था, सबको पता था कि औरत हामिला है, तो फिर इस सूरत में औरत जब बच्चे को ले आए तो वहां फिर किसी दूसरी औरत यानी दाई वगैरह की गवाही की भी जरूरत नहीं है, इमाम साहब फरमाते हैं। इसलिए क्योंकि जब खावंद ने हमल का इकरार कर लिया तो वह हमल जिस चीज तक पहुंचाने वाला है यानी वलादत, उसका भी उसने इकरार कर लिया।
तो लिहाजा यहां किसी औरत की गवाही की भी जरूरत नहीं पड़ी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, यहां भी एक औरत की गवाही की जरूरी होगी भाई। और फिर साहिब हिदाय ने आपको बतलाया कि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल है, इसलिए क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिक्र फरमाती हैं कि बच्चा मां के पेट में 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, वलाउ बिज़िल्लि मिग़ज़लिन, अगरचे चरखे के साये के बकदर ही क्यों ना हो। चरखे का साया बड़ा मामूली सा होता है, ये चरखा जो है ये पहिए की शक्ल का होता है और बिलखुसूस जैसे साइकिल का पहिया है, बल्कि साइकिल का पहिया भी उसके मुकाबले में काफी बड़ा भी है और ये इससे भी बारीक सा होता था और छोटा होता था। तो लिहाजा जाहिर सी बात है, जब ये इतना छोटा सा बारीक सा पहिया होगा तो उसका बहुत मामूली साया होगा, और फिर बिलखुसूस जब वो घूम रहा हो, चल रहा हो, तो उस वक्त तो उसका साया और भी कम हो जाता है। तो मुराद इससे मामूली मिकदार है भाई, चरखे के साये से मुराद मामूली मिकदार है, यानी जैसे उसका साया मामूली सा होता है। तो हदीस का मतलब यह है कि बच्चा मां के पेट में 2 साल से मामूली मिकदार भी ज्यादा नहीं रह सकता, और यह तो ऐसी बात है जिसका पता अकल से नहीं चल सकता। तो लिहाजा यह हदीस मरफू के दर्जे में है। मैंने आपको जाब्ता बतलाया था कि सहाबी का कौल किसी मसले में आ जाए और वो ऐसी चीज है कि उसका पता अकल से नहीं चल सकता, लेकिन सहाबी बतला रहे हैं कि ऐसा है, मालूम हुआ उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। और फिर उसके बाद बताया था कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने है, इसलिए क्योंकि कुरान में हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने बयान की गई है। हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा, तो ये हमल और दूध छुड़ाने दोनों की मुद्दत 30 महीने हैं। और फिर उसके बाद दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वफिसालुहू फी आमैनी, कि बच्चे का दूध छुड़ाना 2 साल में होगा, तो इसके लिए दूध छुड़ाने की मुद्दत का पता चल गया। तो बाकी जो रह गई वो हमल की मुद्दत है और वो 6 माह है। ये मालूम हुआ 6 माह हमल की कम से कम मुद्दत है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसाला जिक्र फरमाया कि एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया है और फिर इस शख्स ने इस बांदी को 1 तलाक दे दी है, चाहे तलाक रजई दे चाहे तलाक बाइन दे भाई। फिर उसके बाद इसने इस बांदी को खरीद लिया और फिर इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो अगर खरीदने के बाद 6 माह से पहले बच्चे को जन्म दिया है तो मालूम हो खरीदने के बाद यह हमल नहीं ठहरा, क्योंकि इतनी कम मुद्दत में बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती, तो फिर इस हमल की निस्बत खरीदने से माकबल की तरफ करना पड़ेगी। मालूम हुआ यह हमल निकाह की हालत में ठहरा था, और निकाह की हालत में जो हमल ठहरे उस वक्त तो वह मनकूहा उसकी फिराश होती है, तो वहां नसब साबित हो जाएगा। और अगर खरीदने के 6 माह या इसके ज्यादा के बाद बच्चे को उस बांदी ने जन्म दिया है तो फिर इस सूरत में यह ममलूका का बच्चा शुमार होगा, क्योंकि यह इतनी मुद्दत है जिसके अंदर एक हमल ठहर सकता है और औरत सही सलामत बच्चे को जन्म दे सकती है, तो इस सूरत के अंदर यह ममलूका का बच्चा शुमार होगा यानी बांदी का। और बांदी का जो बच्चा होता है जब तक आका इकरार न करे उसका नसब साबित नहीं होता, तो ये बांदी का बच्चा शुमार होगा, इसलिए क्योंकि फिका का जाब्ता है अल हादिसु युजाफु इला अक्रबिल औकाती, वो चीज जो नई पेश आए यानी जो हमेशा से नहीं थी बल्कि नई पेश आई है उसकी निस्बत करीब तरीन वक्त की तरफ की जाती है भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर बीवी बांदी है और खावन ने 3 तलाकें दे दी हैं और फिर उसके बाद इस खावन ने इस बांदी को खरीद लिया, तो भी खरीदने के बावजूद ये औरत इसके लिए हलाल नहीं, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो दूसरे ज़ौज की कैद लगाई गई है कुरान के अंदर, तो लिहाजा यहां पर दूसरे ज़ौज के बगैर अब ये बांदी इस आका के लिए जो पहले खावन था जिसको इसने 2 तलाकें दे दी हैं, तो अब भी खरीदने से भी अब ये इसके लिए हलाल नहीं है। तो अब औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो तलाक के बाद 2 साल से पहले पहले यह बच्चे को जन्म दे देगी तो नसब साबित हो जाएगा, और अगर 2 साल या ज्यादा में इसने बच्चे को जन्म दिया तो फिर नसब साबित नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि वो औरत जिसको खावन तलाके बाइन दे या 3 तलाकें दे दे तो वो 2 साल से कम के अंदर बच्चे को जन्म दे तब नसब साबित होता है, 2 साल या इससे ज्यादा के अंदर बच्चे को जन्म दे तो फिर नसब साबित नहीं होता, इल्ला यह कि खावन खुद उसका दावा कर दे।
तो फिर नसब साबित हो जाएगा और इसको फिर हम वतीब शुबा पर महमूल कर लेते हैं कि खावन ने तलाक बाइन या तीन तलाकें देने के बाद इद्दत के अंदर वतीब शुबा कर ली होगी, उसका ख्याल होगा कि इद्दत के दौरान अभी भी मेरे लिए बीवी हलाल है। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई किसी शख्स ने किसी लड़के के बारे में कहा कि ये मेरा बेटा है और फिर और कोई तफसील बयान नहीं की और उस आदमी का इंतकाल हो गया और उस शख्स के इंतकाल के बाद उस लड़के की मां ले आई और कहने लगी कि मैं इस शख्स की बीवी हूं, तो इस सूरत में दोनों ये लड़का और लड़के का नसब तो पहले ही साबित है, उस आदमी ने इकरार किया था और यह औरत इसकी मां है, ये खुद कह रही है मैं उसकी बीवी थी, तो इस्तेहसानन दोनों वारिस बनेंगे, वो बेटा भी और ये औरत भी। जबकि कियास तो ये तकाजा करता है कि इसको वारिसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नसब के सबूत हमेशा निकाह सही से ही नहीं होता बल्कि निकाह फासिद या वतीब शुबा या बांदी होने की सूरत में भी नसब का सबूत हो जाता है। लिहाजा इस बच्चे का इकरार करने से यह बात लाजिम नहीं आती कि यह औरत उस शख्स की बीवी हो, क्योंकि हो सकता है उसने इसे निकाह फासिद किया हो, या हो सकता है उसने इसे वतीब शुबा की हो, या हो सकता है यह उसकी बांदी थी भाई, तो कई एहतमाल हैं। लेकिन इस्तेहसानन जो है इसको बीवी शुमार किया जाएगा। यह उस सूरत में है जब यह औरत की हुर्रियत का सबको पता है यह आजाद औरत है और नी सबको यह भी पता है कि यह इस बच्चे की मां है, तो इस सूरत में इसको निकाह सही पर महमूल किया जाएगा, इसलिए क्योंकि सबूत नसब जो है वह निकाह सही से होता है बैतबार वजा के भी और बैतबार आदत के भी। वजा के एतबार से भी इसी तरह है, यानी शरीयत ने भी सबूत नसब के लिए निकाह सहीह ही को मुकर्रर किया है भाई, और आदत के एतबार से भी, यानी आम लोगों की भी यही आदत है भाई। और अगर यह बात पता नहीं चल सकती कि यह औरत आजाद है या आजाद नहीं, तो इस सूरत में दारुल इस्लाम के अंदर होने की वजह से इसकी आजादी तो साबित हो जाएगी, लेकिन यह दारुल इस्लाम में होना यह हुज्जत कासिरा है, इसकी वजह से इस औरत का मुस्तहिक मीरास होना साबित नहीं होगा। मैंने आपको बताया था एक है हुज्जत कामिला और एक है हुज्जत कासिरा। हुज्जत कामिला वो दफा का भी फायदा देती है और मुस्तहिक होने का भी, उसके जरिए आप किसी चीज को दफा भी कर सकते हैं और उसके जरिए अपने इस्तेहकाक को साबित भी कर सकते हैं, जबकि हुज्जत कासिरा जो है या यूं कह हुज्जत नाकिसा जो है वो दफा का फायदा तो देती है लेकिन मुस्तहिक होने का फायदा नहीं देती। लिहाजा दारुल इस्लाम में होने की वजह से इस औरत जिसकी आजादी का पता नहीं चल रहा इसको आजाद तो शुमार किया जाएगा, अलबत्ता इस दारुल इस्लाम में होने की वजह से ये वारिसा भी बन जाए ये साबित नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबु हज़ानतिल वलदि व मन अहक्कु बिही व इज़ा वक़अतिल फ़ुर्क़तु बैनज़ ज़ौजैन फल उम्मु अहक्कु बिल वलद। बाबु हज़ानतिल वलद, हज़ानत कहते हैं परवरिश को भाई, बच्चे की परवरिश करना इसको हज़ानत कहते हैं। ज़ाद है भाई, ज़ाद हज़ानत भाई। बाबु हज़ानतिल वलदी, ये बाब है बच्चे की परवरिश के बयान में। वमन अहक्कु बिही, और जो इसके ज्यादा लायक है भाई। मियां बीवी में अगर जुदाई वाके हो जाए और इनकी औलाद है छोटे बच्चे हैं तो उनकी परवरिश का हक किसको होगा, साहिब हिदाया अब उसको बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं बाबु हज़ानतिल वलदी वमन अहक्कु बिही, ये बाब है बच्चे की परवरिश और जो इसके ज्यादा लायक है उसके बयान में। व इज़ा वक़अतिल फ़ुर्क़तु बैनज़ ज़ौजैन फल उम्मु अहक्कु बिल वलद, और जब जुदाई वाके हो जाए बैनज़ ज़ौजैन मियां बीवी के दरमियान, फल उम्मु अहक्कु बिल वलदी, तो मां जो है वो ज्यादा हकदार है बच्चे की, मां अपने पास बच्चे को रखेगी। लिमा रुविया, बवजह उस हदीस को जिसको रिवायत किया गया है कि नम्रअतन कालत या रसूल अल्लाह, के एक औरत ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, इन नबनी हादा कान बतनी लहू विआन,
कि ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा ये बेटा जो है, कान बतनी लहू विआन, विआ कहते हैं बर्तन को और जर्फ को, मेरा पेट इस बच्चे के लिए जर्फ था, यानी मैंने इसका हमल उठाया, वहीजरी लहू हिवान, हिवा कहते हैं वो चीज जिसमें किसी चीज को समेटा जाए, और हिजर कहते हैं गोद को, वहीजरी लहू हिवान, और मेरी गोद जो है इस बच्चे के लिए हिवान समेटने वाली चीज थी, यानी वो इस बच्चे को समेटने वाली थी, वसदी लहू सिकान, सिका कहते हैं पानी का मिशकीजा या इसी तरह दूध का मिशकीजा, कहते हैं वसद ये लहू सिकान, और मेरी छाती जो है इस बच्चे के लिए दूध का मिशकीजा थी, यानी उसे वो दूध पीता था, वजामा अबू हो अन्नहू यंजाऊहू मिन्नी, और इस बच्चे के बाप का गुमान है कि वो इस बच्चे को मुझसे छीन लेगा, तो बाप बच्चे को उस औरत से लेना चाहता था भाई, तो ये औरत फरियाद लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई, फकाल अलैहि सलातु वस्सलाम, तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंते अहक्कु बिही, कि तू बच्चे की ज्यादा हकदार है, मालम ततज़व्वजी, जब तक तू निकाह न कर ले, जब तक तू आगे शादी न कर ले। याद रखो बच्चे की परवरिश की सबसे ज्यादा हकदार मां है, लेकिन उस वक्त तक जब तक मां आगे दोबारा शादी न कर ले, अगर आगे वो शादी कर लेती है और वो किसी अजनबी से शादी की है, तो फिर इस सूरत में फिर मां का हक खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि उसका जो नया खावंद है वो बच्चे को नफरत की निगाह से देखेगा, तो लिहाजा इसलिए अब मां की का हक खत्म हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंति अहक्कु बिही मालम ततज़व्वजी, कि तू उस बच्चे की ज्यादा हकदार है जब तक तू शादी न कर ले, वली अन्नल उम्म अशफकु, अब अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं, हदीस तो जिक्र फरमा दी साहिब हिदाया ने, अब अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं, कहते हैं वली अन्नल उम्म अशफकु व अकदरु अलल हज़ानती, और इसलिए क्योंकि मां जो है अशफकु, वो ज्यादा शफकत वाली है, व अकदरु अलल हज़ानती, और वो ज्यादा कुदरत रखती है अलल हज़ानती परवरिश पर, फकान दफ़ इलैहा अनज़ारा, तो लिहाजा मां के हवाले करना बच्चे को अनज़ारा, इसमें बच्चे के लिए ज्यादा शफकत है, बच्चे के लिए ज्यादा शफकत है। वह इलैही अशारा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिकौलिही, और इसी की तरफ इशारा फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस कौल के जरिए, रीकुहा खैरुन लहु मिन शुहदिन व असलिन इंदका या उमर, قال حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون, और कहते हैं इसी की तरफ इशारा फरमाया है हज़रत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस कॉल के जरिए भी, कि रीकुहा खैरुन लहू मिन शुहदिन व असलिन, रीक कहते हैं लुआब को, रा या और काफ है दो नुकतों वाला रीक, और शहद और शुहद ये लफ्ज शीन के फतहा और जम्मा दोनों के साथ सही है, शहदुन या शुहदुन भाई, तो ये उस शहद को कहते हैं, वो शहद जिसको मोम से अभी नचोड़ा न गया हो, यानी जिसको अभी छत्ते से निकाला नहीं गया, साफ नहीं किया गया, और असल कहते हैं वो शहद जिसको छत्ते से नचोड़ लिया गया है, यानी साफ कर लिया गया है। तो ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी के दरमियान जुदाई आ गई, और उनका एक बेटा था उस बीवी से, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इस बच्चे को अपने पास रखने और अपने पास रोकने का इरादा जाहिर फरमाया, तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि रिकुहा खैरुन लहू, कि इस औरत का लुआब, यानी इस बच्चे की मां का जो लुआब है, खैरुन लहू, वो इस बच्चे के लिए बेहतर है, मिन शुहदिन व असलिन इंदका या उमर, तुम्हारे पास जो शहद हो चाहे छत्ते से नचोड़ा गया हो या नचोड़ा न गया हो, उसके मुकाबले में ए उमर, ए उमर तुम्हारे पास ऐसा शहद हो जो छत्ते से नचोड़ा गया हो या छत्ते से न नचोड़ा गया हो, इन दोनों के मुकाबले में इस बच्चे के लिए इसकी मां का लुआब ज्यादा बेहतर है भाई।
चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हो, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला हो की ये बात सुनकर खामोश हो गए और यानी इसको कबूल फरमा लिया। और वहां बहुत से और वहां और भी कसीर सहाबा मौजूद थे, किसी ने भी इस बात को रद्द नहीं किया। मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया कि बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार कौन है, मां है भाई। तो कहते हैं वह इलैही अशारा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी की तरफ इशारा किया है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। भाई पीछे बताया ना कि मां बच्चे पर ज्यादा शफकत करने वाली है और बच्चे की परवरिश की ज्यादा कुदरत रखने वाली है, लिहाजा बच्चे को उसके हवाले किया जाए तो इसमें बच्चे पर ज्यादा शफकत है। तो कहते हैं वह इलैही अशारा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बिकौलिही, और इसी की तरफ इशारा किया हज़रत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस कौल के जरिए, रीकुहा खैरुन लहू, के इसकी बच्चे की मां जो है उसका लुआब इस बच्चे के लिए बेहतर है, मिन शहदिन व असलिन इंदका या उमर, ए उमर तुम्हारे पास छत्ते से निकाले हुए या गैर निकाले हुए शहद के मुकाबले में। قال حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته, हज़रत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फरमाया जिस वक्त जुदाई वाक़े हो गई थी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान और उनकी बीवी के दरमियान। والصحابة حاضرون, और सहाबा हाजिर थे, متوافرون كثير थे, बहुत से सहाबा वहां हाजिर थे। والنفقه على الاب, और बच्चे का नफका जो खर्चा वगैरह है, على الاب बाप पर होगा, على ما نذكر उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे। मैंने बतलाया था कि على कभी इल्लत बयान करने के लिए भी आता है, तो बच्चे का खर्चा जो है बाप पर होगा, अला मा नज़कुरु उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे, आगे बाबुन नफकात में वो जिक्र फरमाएंगे। वला तुजबरुल उम्मु अलैही, और मां को इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी मां अगर बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहती, जुदाई आ चुकी है, तलाक वाके हो चुकी है, तो मां को बच्चे की परवरिश पर जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो बच्चे की परवरिश से आजिज आ जाए, न कर सके बच्चे की परवरिश भाई, तो लिहाजा इसलिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वला तुज बरुल उम्म अलैही, और मां को बच्चे की परवरिश पर मजबूर नहीं किया जाएगा। लिअन्नहा असत ताजिज़ु अनिल हज़ानती, इसलिए क्योंकि शायद ये आजिज आ जाए बच्चे की परवरिश से, ये बच्चे की परवरिश से आजिज आ जाए, तो इसके आजिज आने का एहतमाल है, लिहाजा इसको मजबूर नहीं किया जा सकता। फइन लम तकुन लहू उम्मुन फउम्मुल उम्मी औला मिन उम्मिल अबी, भाई याद रखो ये जो बच्चे की परवरिश की बात हो रही है, आगे साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि जब लड़का 7 साल का हो जाए तो अब बाप उसकी परवरिश का ज्यादा हकदार है, तो 7 साल की उम्र का जब लड़का हो जाए तो बाप उसको जबरदस्ती ले सकता है। वजह यह कि अब इस बच्चे को तालीम और तरबियत की जरूरत है और बाप उसकी ज्यादा कुदरत रखता है, उससे पहले 7 साल से पहले मां ज्यादा कुदरत रखती थी बच्चे की परवरिश की, लेकिन अब तालीम और तरबियत की जरूरत पेश आ गई और बाप उस पर ज्यादा कादिर है। इसी तरह लड़की जो है अब वो जब 9 साल की हो जाए तो फिर अब बाप जो है उसको जबरदस्ती ले सकता है, इसलिए क्योंकि अब उसकी हिफाजत की जरूरत पेश आ गई और उसकी शादी करवाने की जरूरत पेश आ गई और बाप उसकी ज्यादा कुदरत रखता है। तो लिहाजा यहां जो ये बयान हो रहा है कि मां ज्यादा हकदार है, आगे बताएंगे उसके बाद दर्जा नानी का है, अगर मां शादी कर लेती है तो मां का हक खत्म, अब नानी का हक आ गया, वो बच्चे की परवरिश करेगी, अगर नानी भी परवरिश नहीं कर सकती या नानी जिंदा नहीं है तो फिर बच्चे की दादी का हक है, और बच्चे की दादी भी जिंदा अगर नहीं है तो फिर उसके बाद अगर उस बच्चे की कोई बहने हैं तो उनका हक है, अगर बहने भी नहीं है तो फिर उसके बाद अगर खाला है कोई तो खाला का ज्यादा हक है, अगर खाला भी नहीं है तो फिर फूफी का हक है, यानी बाप की बहन का, अगर फूफी भी नहीं है तो फिर उसके बाद बाप का हक है जी। तो फिर उसके बाद बाप का हक है। तो ये सारी जो तफसील बयान हो रही है ये बच्चे के 7 साल से पहले की बात हो रही है, लड़का हो तो
सात साल से पहले की बात हो रही है और लड़की है तो नौ साल से पहले की बात हो रही है। हां, जब लड़का सात साल का हो गया अब बाप ज्यादा हकदार है, वो जबरदस्ती ले सकता है बच्चे को, और लड़की जब नौ साल की हो गई तो अब बाप ज्यादा हकदार है, वो लड़की को जबरदस्ती ले सकता है। तो कहते हैं फैलम तक उन लहू उम्मन, और अगर बच्चे की मां ना हो यानी वो वफात पा चुकी है या उसने किसी अजनबी से निकाह कर लिया है तो उसका हक खत्म हो गया। फ उम्मुल उम्मी औला, तो फिर मां की मां जो है यानी नानी औला वो ज्यादा लायक है, मिन उम्मिल अभी बाप की मां के मुकाबले में यानी दादी के मुकाबले में, नानी ज्यादा हकदार है दादी के मुकाबले में। वह इन बाउदत, अगरचे दूर की ही क्यों ना हो, नानी है पर नानी है उससे ऊपर मतलब लकड़ नानी है तो वो ज्यादा हकदार हैं किसके मुकाबले में, दादी के मुकाबले में। तो ये माना है फ उम्मुल उम्मी औला मिन उम्मिल अभी, तो नानी जो है वो ज्यादा लायक है दादी के मुकाबले में। व इन बाउदत, अगरचे दूर की हो, लिअन्ना हादिहिल विलायत तुस्तफादु मिन क़िबलिल उम्महात, इसलिए क्योंकि ये जो विलायत है, ये जो बच्चे की परवरिश की विलायत है, तुस्तफादु ये हासिल की जाती है, मिन क़िबलिल उम्महाति माओ की तरफ से, ये जो विलायत है परवरिश है ये माओ की जानिब से हासिल की जाती है। यानी कहना ये चाहते हैं साहिबे हिदाया कि एक तरफ एक औरत है उसके साथ रिश्ता बाप के वास्ते से है और एक तरफ एक औरत है उसका रिश्ता मां के वास्ते से है, तो कराबत उम को तरजीह होगी। कराबत का माना रिश्ता, रिश्ता मां का जो रिश्ता है जिस जानिब से, उस औरत को तरजीह होगी कराबत अब के मुकाबले में। तो कहते हैं लिअन्ना हादिहिल विलायत तुस्तफादु मिन क़िबलिल उम्महाति, इसलिए क्योंकि ये विलायत हासिल होती है माओ की जानिब से, लिहाजा मां के रिश्तेदार को तरजीह होगी बाप के रिश्तेदार पर। फैलम तकुन उम्मुल उम्मी फ उम्मुल अबी औला मिनल अखवाति, अगर उस बच्चे की नानी नहीं है फ उम्मुल अबी औला तो फिर दादी ज्यादा लायक है, मिनल अखवाति बहनों के मुकाबले में, लिअन्नहा मिनल उम्महाति, इसलिए क्योंकि दादी जो है वो माओ में से है। याद रखो हमारे ऊपर मां बाप से ऊपर जितनी औरतें हैं वो सब हमारी नानियां और दादियां हैं भाई, कोई करीब वाली नानी है कोई दूर वाली नानी है, इसी तरह कोई करीब वाली दादी है और कोई दूर वाली दादी है, तवज्जो है। तो लिहाजा ये सब माएं हैं, जब ये सब माएं हैं तो इनका दर्जा बहनों पर मुकद्दम होगा, इनका दर्जा बहनों पर मुकद्दम होगा। तो कहते हैं लिअन्नहा मिनल उम्महाति, इसलिए क्योंकि ये जो दादियां हैं ये माओं में से हैं, वलिहादा तुहरिजु मीरासहुन्नस सुदुसा, और इसीलिए ये समेट लेती हैं अपनी मीरास सुदुस को। याद रखो इल्मे मीरास के अंदर आप पढ़ेंगे कि मां को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बाद सूरतों में मां को सुदुस मिलता है छठा हिस्सा, बाज सूरतों में सुलुस वगैरह मिलता है और बाज में सुदुस मिलता है, और ये जो दादी है इसको भी सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलता है। तो ये इसी वजह से इसको छठा हिस्सा मिलता है कि ये भी माओ में से है, जैसे मां को छठा हिस्सा मिलता है इसी तरह दादी को भी छठा हिस्सा मिलता है। ये माना है कि लिअन्नहा मिनल उम्महाति, ये दादी जो है ये भी माओ में से है, वलिहादा तुहरिजु मीरासहुन्न सुदुसा, और इसीलिए ये समेट लेती है अपनी मीरास सुदुस को। वलिअन्नहा औफरु शफ़क़तन लिल विलादी, शफ़क़त भाई शफ़क़तुन, मैंने बतलाया था कि उर्दू में तो लफ्ज है शफ़क़त भाई, फा साकिन है लेकिन अरबी में फा पर फतहा है। वली अन्नहा औ फरुशा फकतन लिल विलादी, और इसलिए क्योंकि ये जो दादियां हैं ये ज्यादा शफकत करने वाली हैं लिल विलादी, पैदाइश की वजह से, विलाद और विलादत का एक माना बच्चे की पैदाइश, ये बच्चे की पैदाइश की वजह से ज्यादा शफकत करने वाली हैं क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इस बच्चे को जन्म देने वाली हैं, यानी वास्ते के जरिए बाप की जो औलाद है वो भी इस दादी ही की औलाद है, अलबत्ता बच्चे और दादी के दरमियान बाप का वास्ता है भाई, तो लिहाजा इनकी शफकत बच्चों पर ज्यादा होगी। तो कहते हैं वली अन्नहा औ फरु शफकतन लिल विलादी, और इसलिए क्योंकि ये जो दादियां हैं ये ज्यादा शफकत वाली होती हैं लिल विलादी, पैदाइश की वजह से कि ये इन्हीं की औलाद है।
फैलम तकुन लहू जद्दा तुन, और अगर उस बच्चे की कोई जद्दा ना हो, जद्दा का लफ्ज दादी और नानी दोनों को शामिल है अरबी जुबान में, फैलम तकुन लहू जद्दा तुन, अगर इस बच्चे की कोई जद्दा ना हो यानी कोई दादी नानी ना हो, फल अखवातु औला मिनल अम्माती वल खालाती, तो बहने वो ज्यादा लायक हैं फूफियों और खालाओं के मुकाबले में। पहला दर्जा किसका था? मां का, उसके बाद नानी चाहे ऊपर तक हो, उसके बाद दादी चाहे ऊपर तक हो, उसके बाद अब बहनें आ गईं, और बहनों के बाद खाला का दर्जा बयान फरमाएंगे, और खाला के बाद फूफी का। तो कहते हैं अगर इस बच्चे की कोई दादियां नानियां नहीं हैं, फल अखवातु औला मिनल अम्माती वल खालाती, तो इसकी बहनें जो हैं वो ज्यादा लायक हैं इस बच्चे की फूफियों और खालाओं के मुकाबले में। लिअन्नहुन्ना बनातुल अबवैनी, इसलिए क्योंकि ये मां बाप की बेटियां हैं, ये मां बाप की बेटियां हैं। भाई देखो, फूफी किसको कहते हैं? दादा की बेटी को। और खाला किसको कहते हैं? नाना की बेटी को, मां की बहन नाना की बेटी, और फूफी बाप की बहन यानी दादा की बेटी। तो वो दूर का रिश्ता है उनके साथ, और जबकि ये इस बच्चे की जो बहनें हैं, चाहे हकीकी बहन हो, चाहे अल्लाती बहन हो, चाहे अख्याफी बहन हो, ये करीबी है, क्योंकि वो या तो इन्हीं के मां बाप की बेटियां होंगी या सिर्फ इसी के बाप की बेटी होगी या इसी के मां की बेटी होगी। मैंने आपको बतलाया था बहनें तीन किस्म की हो सकती हैं। अगर एक बच्चा और उसकी बहन जो है दोनों के मां बाप एक ही हैं, यानी बाप भी दोनों का एक, मां भी एक, तो इनको कहेंगे हकीकी भाई बहन। और अगर दोनों का बाप तो एक है लेकिन माएं अलग हैं, यानी एक ही शख्स ने दो शादियां की हैं, एक बीवी से लड़का है और दूसरी बीवी से लड़की है, तो ये लड़का और लड़की आपस में भाई बहन हैं, लेकिन ये अल्लाती भाई बहन कहलाएंगे क्योंकि इनका बाप एक है, अलबत्ता माएं अलग अलग हैं। तो बाप एक हो और माएं अलग अलग हो तो इसको अल्लाती भाई बहन कहते हैं। और अगर मां एक हो और बाप अलग अलग हैं, मसलन एक औरत ने जैद से निकाह किया था, उससे बेटा हुआ, फिर जैद का इंतकाल हो गया, फिर इस औरत ने किसी और से निकाह कर लिया और उससे बेटी हुई, तो ये आपस में ये भाई बहन, इनकी मां तो एक ही है लेकिन बाप अलग अलग हैं, तो इनको अखियाफी भाई बहन कहेंगे। तो बहनें कितनी किस्म की हो सकती हैं? तीन, या हकीकी बहन होगी, या अल्लाती बहन होगी, या अखियाफी। हकीकी बहन का क्या माना? मां बाप शरीक। और अल्लाती बहन का क्या माना? बाप शरीक। और अखियाफी बहन मां शरीक, मां शरीक। तो ये जो बहनें हैं ये मां बाप की औलाद हैं, ये बच्चे के करीबी रिश्तेदार हैं, और खाला और फूफी दूर की हैं इनके मुकाबले में, लिहाजा बहनें मुकद्दम होंगी भाई। और फिर बहनों के अंदर, फिर बहनों के अंदर जो हकीकी बहन है वो अल्लाती और अखियाफी पर मुकद्दम होगी, क्योंकि हकीकी बहन के साथ रिश्ता दो तरफ से है, मां की तरफ से भी है और बाप की तरफ से भी है, दोनों के मां बाप एक हैं जी। तो दो जानिब से रिश्ता हो गया भाई का बहन के साथ, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। और उसके बाद फिर आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि हकीकी बहन के बाद दूसरा दर्जा अखियाफी बहन का है जी। अखियाफी बहन वो जो मां शरीक बहन है, वजह यह क्योंकि ये विलायत किसकी तरफ से हासिल होती है? माओ की तरफ से जी। माओ में शफकत ज्यादा है, और अखियाफी बहन के साथ भी रिश्ता किसके वास्ते से है? मां के वास्ते से है, लिहाजा वो मुकद्दम होगी किसके मुकाबले में? अल्लाती बहन के मुकाबले में। जैसे नानी मुकद्दम थी दादी पर जी। क्योंकि नानी के साथ रिश्ता मां के वास्ते से था और दादी के साथ रिश्ता बाप के वास्ते से है। तो कहते हैं फल अखवातु औला मिनल अम्माति वल खालाति, तो बहनें वो ज्यादा लायक हैं फूफियों और खालाओं के मुकाबले में। लिअन्नहुन्ना बनातुल अबवैनी, इसलिए क्योंकि जो बहनें हैं ये इसी सगीर के मां बाप की बेटियां हैं। वलिहादा कुद्दिम नफिल मीरासी, और इसीलिए ये जो बहनें हैं इनको मुकद्दम किया जाता है मीरास में। बहनें मीरास में मुकद्दम होती हैं फूफियों पर और खालाओं पर भाई। वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में है कि अल खालतु औला मीनल उख्तिली अबिन, कि खाला जो है वो ज्यादा लायक है मीनल उख्तिली अबिन, अल्लाती बहन के मुकाबले में।
उख्तिल अबिन, बाप शरीक बहन यानी अल्लाती बहन। तो कहते हैं वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में है अल खालतु औला मिनल उख्त। ये रिवायत किताबु तलाक की है भाई, मबसूत की किताबु तलाक की एक रिवायत है। तो कहते हैं वफी रिवायतिन अल खालतु औला मिनल उख्तिली अबिन, के खाला जो है वो ज्यादा लायक है अल्लाती बहन के मुकाबले में। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया अल खालतु वालिदतुन, के खाला जो है वो वालिदा है यानी वालिदा के दर्जे में है। खाला जो है वो वालिदा यानी मां के दर्जे में है। वकील फी कौलिही ताला, और कहा गया है अल्लाह ताला के इस कौल में वरफा अबवैही अलल अर्शी, वरफा, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया अबवैही अपने मां बाप को अलल अर्शी तख्त पर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब उनके मां बाप तशरीफ लाए तो आपने उनको तख्त पर बिठाया, उनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। तो कहते हैं वरफा अबवैही अलल अर्शी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया अपने मां बाप को तख्त पर। तो इसके बारे में कहा गया है कि इन्नहा कानत खालतहु, कि ये जो थी ये उनकी खाला थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा इंतकाल फरमा चुकी थी और ये उनकी खाला थी जिनके साथ बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया था। बीवी फौत हो गई जिनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, तो फिर उन्हीं बीवी की बहन यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला से ही उन्होंने निकाह फरमा लिया था भाई। तो यहां पर देखो वरफा अबवई ही, खाला पर भी मां का इतलाक किया गया। अबवैन से कौन मुराद है? मां बाप। तो खाला को भी मां कहा गया है भाई। आगे देखिए व तुकदमुल उख्तुली अबिन व उम्मीन, और मुकदम किया जाएगा अल उख्तुली अबिन व उम्मीन, वो बहन जो मां बाप शरीक है यानी हकीकी बहन को मुकदम किया जाएगा। अब बहनों की तरतीब बता रहे हैं, बहनों में क्या तरतीब? सबसे पहले भाई बतलाया ना, बहनें जो हैं वो फूफियों पर भी मुकदम, खालाओं पर भी मुकदम। खुद बहनें भी तो तीन किस्म की हो सकती हैं, या हकीकी होगी, या अल्लाती होगी, या अख्याफी होगी। अब वो बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वह तुकदमुल उख्तुली अबिन व उम्मीन, और मुकदम किया जाएगा हकीकी बहन को। लिअन्नहा अशफकु, क्योंकि वो ज्यादा शफकत करने वाली है। सुम्मल उख्तु मिनल उम्मी, फिर उसके बाद जो मां शरीक बहन है यानी जो अखियाफी बहन है वो मुकदम है। सुम्मल उख्तु मिनल अबी, फिर उसके बाद जो बाप शरीक बहन है यानी अल्लाती बहन है। लिअन्न अल-हक लहुन्न मिन क़िबलिल उम्मी, इसलिए क्योंकि इन बहनों का जो परवरिश का हक है मिन क़िबलिल उम्मी, वो मां की तरफ से है। तो जिसके साथ रिश्ता मां के वास्ते से है यानी अखियाफी बहन, वो मुकदम होगी उस बहन से जिसके साथ रिश्ता बाप के वास्ते से है यानी अल्लाती बहन। सुम्मल खालातु औला मिनल अम्माती, फिर खालाएं ज्यादा लायक हैं मिनल अम्माती फूफियों के मुकाबले में। भाई क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि हमने बता दिया कि ये विलायत किससे हासिल होती है? मां की कराबत से। और खाला मां की बहन और फूफी बाप की बहन, तो किसको तरजीह होगी? मां की बहन को, क्योंकि ये विलायत किससे हासिल होती है? मां की कराबत से भाई। तो कहते हैं सुम्मल खालातु औला मिनल अम्माती, फिर खालाएं वो ज्यादा लायक हैं फूफियों के मुकाबले में। तरजीहन लिकराबतिल उम्मी, मां के रिश्तेदारी को तरजीह देते हुए। वयुनज़्ज़लन कमा नज़्ज़लनल अखवाती, और ये खालाएं भी इसी तरह, युनज़्ज़लन इनको भी दर्जा बदर्जा उतारा जाएगा, यानी सबसे पहले हकीकी खाला का दर्जा होगा, फिर उसके बाद अखियाफी खाला का दर्जा होगा, फिर उसके बाद अल्लाती खाला का दर्जा होगा। तो कहते हैं वयुनज़्ज़लन कमा नज़्ज़लन अखवाती, और इन खालाओं को भी दर्जा बदर्जा उतारा जाएगा जैसे कि हमने बहनों को दर्जा बदर्जा उतारा। माना हूं, माना इसका यह है तरजीह ज़ाति क़राबतैनी, के दो रिश्तों वाली को तरजीह होगी। तरजीह ज़ाति क़राबतैनी, दो रिश्तों वाली को तरजीह यानी हकीकी खाला जो है उसको तरजीह होगी, क्योंकि उसके साथ रिश्ता
नाना के वास्ते से भी है और नानी के वास्ते से भी है। तो कहते हैं मानाहू, माना इसका जो है तरजीह जाति कराबतैनी के दो रिश्तों वाली को तरजीह होगी, सुम्मा कराबतिल उम्मी फिर उसके बाद मां की जो कराबत है उसको तरजीह होगी यानी अखियाफी खाला को और सबसे आखिर में अल्लाती खाला। सुम्मल अम्मातु युनज़्ज़लना कज़ालिका फिर फूफियों को भी दर्जा बदर्जा इसी तरह उतारा जाएगा यानी हकीकी फूफी मुकदम होगी अख्याफी फूफी पर और अख्याफी फूफी मुकदम होगी अल्लाती फूफी पर। वकुल्लू मन तज़व्वजत मिन्हा उला यस्कुतु हक़ुहा लिमा रवैना। तो क्या तरतीब हुई, सबसे पहला दर्जा मां का, उसके बाद नानी, फिर दादी, फिर बहन, फिर खाला और उसके बाद फूफी का दर्जा है। और अलबत्ता इन औरतों में से जिस औरत ने भी किसी अजनबी से शादी कर ली तो फिर उसका हक खत्म हो जाएगा, उसका हक साकित हो जाएगा और उसके बाद वाली का हक आ जाएगा। तो मां ने अगर शादी कर ली किसी अजनबी से तो उसका हक खत्म, अब नानी का हक आ गया, नानी ने भी किसी से निकाह कर लिया तो उसका हक भी खत्म, दादी ने इसके बाद, तो तरतीब से इसी तरह। तो कहते हैं वकुल्लु मन तज़व्वजत मिन्हा उला यस्कुतु हक़ुहा और इन सब औरतों में से जिसने भी निकाह कर लिया यस्कुतु हक़ुहा तो उसका हक साकित हो जाएगा, लिमा रवैना उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। हदीस में क्या आया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मां से क्या फरमाया, अंति अहक्कु बिही मा लम ततज़व्वजी, कि तू बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार है जब तक तू शादी न कर ले। तो इस हदीस की वजह से वली अन ज़ौजल उम्मी इदा कान अजनबियन, और इसलिए क्योंकि मां का जो खावंद है, मां ने दूसरी जगह निकाह कर लिया, मां का जो खावंद है इदा कान अजनबियन, जब वो इस बच्चे के लिए अजनबी है यानी इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो युअती ही नज़रं वयन्ज़ुरु इलैही शज़रा फला नज़रा, युअती ही नज़रा, नजरा यंजुरु नजरन का माना है किसी को थोड़ी सी चीज देना, थोड़ी सी चीज देना, वयंजुरु इलैही शजरन, शजरा यश जीरु शजरन का माना है किसी की तरफ नफरत की निगाह से देखना या हकारत की निगाह से देखना। तो साहिबे हिदाया बयान फरमा रहे हैं, एक तो हदीस जिक्र फरमा दी और दूसरी अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं कि ये मां जब किसी अजनबी के साथ निकाह करेगी तो वो इस बच्चे को थोड़ा देगा जी। वो इस बच्चे पर शफकत नहीं करेगा, वो इसको थोड़ी चीज देगा और नीज इसको नफरत की निगाह से देखेगा जी। तो ये माना है, कहते हैं वली अन नज़ाउ जल उम्मी इदा कान अजनबियन, और इसलिए क्योंकि मां का खावन जब वो अजनबी हो, युअती ही नजरन तो वो इस बच्चे को थोड़ी सी चीज देगा, वयंजुरु इलैही शजरन और देखेगा इस बच्चे की तरफ नफरत की नजर से, फला नजारा तो इसमें अब शफकत नहीं है, लिहाजा अब मां का हक साकित हो गया। काल इल्ल जद्दतु इदा कान ज़ौजुहल जद्दा, हाँ काला साहिबे कुदूरी फरमाते हैं इल्ल जद्दतु इदा कान ज़ौजुहल जद्दा, सूरत मसला यह कि बच्चे की मां का इंतकाल हो चुका है और अब परवरिश का हक नानी के पास आया और इस नानी ने अब शादी कर ली और शादी किससे की, बच्चे के दादा से शादी कर ली, बच्चे के दादा से शादी कर ली, तो दादा तो पहले ही बच्चे का महरम रिश्तेदार है, लिहाजा इसकी वजह से इस नानी का हक साकित नहीं होगा। या बच्चे की मां का भी इंतकाल हो चुका है, नानी का भी इंतकाल हो चुका है, दादी जिंदा है और फिर इस दादी ने बच्चे के नाना से निकाह कर लिया जी। तो नाना तो वो तो पहले ही बच्चे का महरम है, लिहाजा इसकी वजह से दादी का हक साकित नहीं होगा। बात समझ में आ गई, तो ये माना है। काल साहिब खुदूरी फरमाते हैं इल्ल जद्दतु इदा कान ज़ौजुहल जद्दा, जद्दा मैंने बताया दादी और नानी दोनों को शामिल है, मगर बच्चे की जद्दा जो है इदा कान ज़ौजुहल जद्दा, जब उसका खावंद बच्चे का जद है, दादा या नाना है, लिअन्नहु क़ामा मकामा अबीही, इसलिए क्योंकि ये बच्चे के बाप के कायम मकाम है, फयन्ज़ुरु लहू तो वो इस बच्चे पर शफकत करेगा। वकज़ालिका कुल्लु ज़ौजिन हुवा ज़ू रहमिन महरमिन मिन्हु, और इसी तरह हर ऐसा खावंद है जो बच्चे का करीबी महरम रिश्तेदार हो। मसलन मां ने बच्चे के चचा से निकाह कर लिया तो इसे मां का हक साकित नहीं होगा,
इसलिए क्योंकि चचा बच्चे का करीबी महरम रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार भी है और महरम भी है। जी। महरम कैसे भाई? देखो अगर दोनों मुजक्कर हैं चचा और बच्चा, तो दोनों में से बारी बारी हारे को मुअन्नस फर्ज करो। बच्चे को अगर मुअन्नस फर्ज करें तो ये भाई की बेटी हुई यानी भतीजी हुई, और भतीजी इंसान पर हराम होती है, तो एक तरफ से देखो हुरमत है। इसका बरअक्स कर लें कि बच्चे को मुजक्कर ही रहने दें और चचा को मुअन्नस फर्ज कर लें, तो अब बच्चे में और इसके दरमियान फूफी वाला रिश्ता आ गया, फूफी और भतीजे वाला, और भतीजे पर फूफी भी हराम होती है। तो देखो दोनों तरफ से एक करीबी रिश्ता भी मौजूद है और महरम भी बन रहे हैं भाई जी। तो कहते हैं वकदालिका कुल्लु ज़ौजिन हुवा ज़ू रहमिम महरमिम मिन्हु, और इसी तरह हर ऐसा खावंद है जो इस बच्चे का करीबी रिश्तेदार हो, महरमिम मिन्हु और इसका महरम हो, लिक़यामि शफ़क़ति, इसलिए क्योंकि शफ़क़त मौजूद है, नज़रन इलल क़राबतिल क़रीबति, करीबी रिश्तेदारी की तरफ नजर करते हुए, वमन सकत हकुहा भी तजवुजी। अच्छा भाई, इन औरतों में से किसी का हक साकित हो गया निकाह की वजह से, तो हक साकित हो गया, लेकिन फिर उस खावन ने इस औरत को तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया, तो मान्य चला गया। जिस शख्स ने बच्चे को नफरत की निगाह से देखना था, उससे औरत की जुदाई आ गई या उसका इंतकाल हो गया, तो अब मान्य चला गया, तो उस औरत का हक फिर लौट आएगा परवरिश का भाई। कहते हैं वमन सकत हकुहा बितज़व्वुजी, और जिसका हक साकित हो गया शादी करने की वजह से, यऊदु, तो वह हक फिर लौट आएगा, इज़र तफ़ाती ज़ौजियत, जब वो ज़ौजियत यानी वो जो रिश्ता है वो उठ जाए, खत्म हो जाए, लिअन्नल मानिअ क़द ज़ाला, इसलिए क्योंकि मानह ज़ाइल हो गया, खत्म हो गया, फ़इल्लम तकुन लिस्सबी इमरअतुम मिन अहलिही फ़ख़्तसम फ़ीहि अर्रिजाल। अच्छा भाई, बच्चे के रिश्तेदारों में कोई औरत नहीं है, बच्चे की मां, नानी, दादी, बहन, खाला, फूफी, इनमें से कोई भी नहीं है, अब मर्दों के अंदर झगड़ा है परवरिश का, तो फिर मर्दों में वो ही तरतीब है जो आसाबात के अंदर है। आसाबात वो करीबी मर्द रिश्तेदार हैं कि उनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में किसी औरत का वास्ता न आता हो भाई, जैसे बेटा है, पोता है, पड़पोता है, या ऊपर की तरफ चले जाएं, बाप है, दादा है, परदादा है, या बाप की औलाद है यानी भाई हैं, या भाइयों की जो औलाद है यानी भतीजे हैं और उनकी औलाद जो है, या इसी तरह फिर दादा की जो औलाद है यानी बाप का भाई चचा, या चचा की आगे मुजक्कर औलाद है, ये सब असाबात हैं। तो असाबात में सबसे पहला दर्जा औलाद का होता है, लेकिन यहां तो सगीर की बात चल रही है, इसकी तो औलाद है नहीं, इसकी परवरिश का मसला चल रहा है, तो फिर दूसरा दर्जा किसका है? बाप का, उसके बाद दादा का, अगर वो भी नहीं है तो परदादा का, अगर इनमें से कोई भी नहीं है फिर इस बच्चे के भाई का दर्जा है, अगर भाई नहीं है तो अगर भाइयों की मुजक्कर औलाद है तो उनका दर्जा है, अगर उनमें से भी कोई नहीं है, अपना भाई नहीं है, तो फिर बाप का जो भाई है यानी चचा, चचा वो हकदार होगा, अगर चचा नहीं है तो फिर चचा की अगर मुजक्कर औलाद जिंदा है तो वो हकदार है। तरतीब समझ में आ रही है? तो कहते हैं फ़इल्लम तकुन लिस्सबी इमरअतुम मिन अहलिही, और अगर बच्चे के लिए कोई औरत ना हो उसके घर वालों में से, फ़ख़्तसम फ़ीहि अर्रिजाल, तो उसके अंदर मर्दों ने झगड़ा किया, फ़अउलाहुम अक़रबुहुम तअसीबन, तो ज्यादा लायक इनमें से वो है जो ज्यादा करीब है बच्चे के तअसीबन असबा होने के एतबार से, लिअन्नल विलायत लिल अक़रबी, इसलिए क्योंकि विलायत जो है वो ज्यादा करीब वाले के लिए होती है, तो इनमें जो सबसे करीबी होगा उसको विलायत होगी, वक़द उरिफ़त तरतीब फी मौज़िही, और तहकीक इस तरतीब को जाना गया है अपने मकाम में, यानी बाबुल मीरास के अंदर भी इसको जिक्र किया गया है और नीज विलायत निकाह के अंदर भी इसको जिक्र किया गया है। तो पहला दर्जा किसका होगा? बाप का, फिर दादा, फिर परदादा, अगर इनमें से कोई नहीं तो फिर बाप की औलाद यानी भाई, इस सगीर के भाई अगर जिंदा हैं और वो बालिग हैं और बड़े हैं, या उन भाइयों की अगर औलाद है, और अगर भाई या उनकी औलाद नहीं है तो फिर बाप के जो भाई हैं यानी चचा वगैरह, और अगर वो नहीं है तो उनकी औलाद भाई।
तो कहते हैं वक़द उरिफ़त तरतीबु फी मौज़िहिही, और तहकीक इस तरतीब को जाना गया है अपने मकाम में, गैर अन्न सगीरत ला तुदफ़ु इला असबतिन गैर महरमिन का मौलल अताकति वबनिल अम्मी तहर्रुज़न अनिल फितनति। कहते हैं हां अलबत्ता एक बात है, अगर ये बच्चा जो है ये सगीरा है, लड़की है नाबालिगा जिसकी परवरिश में झगड़ा है, तो फिर इस सूरत में गैर महरम असबा के हवाले नहीं किया जाएगा इसको, गैर महरम असबा के हवाले नहीं किया जाएगा। भाई आप इल्मे मीरास में पढ़ चुके हैं, कुछ करीबी रिश्तेदार हैं उनको जवील फुरूस कहते हैं, यानी हिस्सों वाले जिनके हिस्से बाकायदा बाकायदा शरीयत में मुकर्रर हैं, किसी को निसफ मिलना है, किसी को सुलुस मिलना है, किसी को रुबो मिलना है, किसी को सुदुस मिलना है, मुख्तलिफ हिस्से मुकर्रर हैं, ये जबिल फुरूज हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ रिश्तेदार हैं वो आसाबात कहलाते हैं, जैसे बेटा है, पोता है, पड़पोता है, या ऊपर की तरफ बाप है, दादा है, परदादा है, या अतराफ के अंदर जैसे भाई हैं या भाइयों की मुजक्कर औलाद, या इसी तरह बाप के भाई हैं यानी चचा और चचों की मुजक्कर औलाद, ये सारे आसाबात हैं भाई। तो जवील फुरूस से जब माल बच जाए तो उसको आसाबात ले जाते हैं। अगर ये नसबी आसाबात कोई नहीं तो फिर सबबी आसाबात को देखेंगे, और सबबी आसाबा मौला अताका को कहते हैं, यानी वो शख्स जिसने इस मैयत को आजाद किया था। किसी जमाने में ये मरने वाला गुलाम था भाई, और इसको एक शख्स ने खरीद कर आजाद किया था, तो वो जो आका है वो भी असबा है, वो भी क्या है असबा, लेकिन वो असबा सबबी है भाई, सबब के एतबार से असबा है, नसब के एतबार से असबा नहीं। तो लिहाजा वारिसों में सबसे पहला दर्जा किसका, जवील फुरूस का, उसके बाद बाकी जो माल बचे वो सारा किसको, नसबी असबात को मिलेगा। अगर नसबी असबा कोई नहीं तो फिर सबबी असबा यानी ये आजाद करने वाला जो है इसको बाकी का माल मिल जाएगा, और ये जो माल इसको मिलेगा इसको वला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वला। ये वही माल मीरास है जो मौतिक को मिल रहा है, मैयत को आजाद करने वाले को मिल रहा है। तो लिहाजा मसला यह चल रहा है कि बच्चे की परवरिश के अंदर मर्दों के अंदर झगड़ा है, तो अगर ये सगीरा है नाबा ये लड़की है तो फिर गैर महरम असबा के हवाले नहीं करेंगे, गैर महरम असबा। मसलन मौला अताका है आजाद करने वाला यानी मुअतिक जो है, तो ये इसका गैर महरम है लिहाजा इसके हवाले नहीं करेंगे। या इसी तरह चचा का बेटा, अब चचा के बेटे के लिए तो उससे निकाह जायज है भाई, लिहाजा वो इसका गैर महरम है तो उसके हवाले भी इस सगीरा को नहीं करेंगे, फितने से बचने के लिए, क्योंकि अगर इनके हवाले सगीरा को कर दिया जाए फिर तो फितने का खतरा है। तो कहते हैं गैर अन्न सगीरत ला तुदफ़ु इला असबतिन गैर महरमिन, मगर ये कि सगीरा जो है उसको हवाले नहीं किया जाएगा ऐसे असबा के गैर महरमिन जो महरम ना हो, का मौलल अताकति जैसे मौला अताका है यानी आजाद करने वाला, व बनिल अम्मी और जैसे चचा का बेटा है, इनके हवाले सगीरा को नहीं किया जाएगा, तहर्रुज़न अनिल फितनति फितने से बचने के लिए, क्योंकि अगर सगीरा को इनके हवाले करेंगे तो उसमें फितने का खतरा है भाई। आगे देखिए, वल उम्मु वल जद्दतु अहक्कु बिल गुलामी हत्ता याकुल वहदहु व यशरब वहदहु व यलबस वहदहु व यस्तंजिया वहदहु। वल उम्मु वल जद्दतु, और मां और दादी नानी जो हैं, अहक्कु बिल गुलामी वो लड़के की ज्यादा हकदार हैं, हत्ता याकुल वहदहु यहां तक कि वो अकेला खाना खाने लगे, व यशरब वहदहु और अकेला पीने लगे, व यलबस वहदहु और अकेला कपड़े पहनने लगे, व यस्तंजिया वहदहु और अकेला इस्तिंजा करने लगे। वफिल जामे सगीरी व जामे सगीर में है, आगे साहिब हिदायत जामे सगीर की भी इबारत जिक्र फरमा रहे हैं, पीछे कुदूरी की इबारत थी, कुदूरी की इबारत के अंदर इस्तिंजा का जिक्र है लेकिन जामे सगीर के अंदर इस्तिंजा का जिक्र नहीं है, तो इबारतों में चूंकि थोड़ा सा फर्क था इसलिए अब उसको भी जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वफिल जामे सगीर और जामे सगीर के अंदर है, हत्ता यस्तग़निया यहां तक कि बच्चा बेनियाज हो जाए, मां के बगैर अब वो जिंदगी गुजार सके भाई, तो जामे सगीर में है, हत्ता यस्तग़निया के यहां तक के बच्चा बेनियाज हो जाए,
फयाकुला वहदहू, पस अकेला वो खा सके, वया शराबा वहदहू और अकेला पी सके, वयल बसा वहदहू और अकेला कपड़े पहन सके। आगे साहिब हिदाया फरमाते हैं वल माना वाहिदुन और माना एक ही है, यानी कुदूरी की इबारत में इस्तिंजा का जिक्र है और जामे सगीर की इबारत में है कि यहां तक कि वो बेनियाज हो जाए, तो दोनों का माना एक ही है, इसलिए क्योंकि बेनियाजी तभी हासिल होगी बच्चे को जब वो इस्तिंजा कर सके भाई। तो कहते हैं वल माना वाहिदुन और दोनों इबारतों का माना एक ही है, लिअन्न तमाम अल इस्तिग्नाई बिल कुदरती अलल इस्तिंजाई, इसलिए क्योंकि बेनियाजी का पूरा होना इस्तिंजा पर कुदरत से ही होगा। वजहू, और वजह इसकी यह है, अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि जब बच्चा मां और दादी नानी से बेनियाज हो जाए तो उसके बाद फिर बाप ज्यादा हकदार है, इसकी क्या वजह है? तो कहते हैं वह वजहू, और वजह इसकी यह है कि अन्नहू इज़स्तग़ना, इसलिए क्योंकि जब बच्चा बेनियाज हो गया यानी अब ये सब काम वो खुद कर सकता है तो अब यहताजु इला तअद्दुबी व तखल्लुकी बि आदाबिर रिजाली व अखलाकिहिम। तअद्दुब का माना है अदब सीखना, तखल्लुक का माना है अखलाक सीखना, बि आदाबिर रिजाली, आदाबुर रिजाल को जोड़ें तअद्दुब के साथ, और आगे आ रहा है वह अखलाकिहिम ऐ अखलाक रिजाली, इसको जोड़ें तखल्लुक के साथ। तो गोया इबारत यूं है कि अन्नहू इज़स्तग़ना, जब बच्चा बेनियाज हो गया, यहताजु इला तअद्दुबी बि आदाबिर रिजाली, अब वो मर्दों के आदाब सीखने का मोहताज हुआ, व तखल्लुकी बि अखलाकिहिम, और वो मर्दों के अखलाक सीखने का मोहताज हो गया। इबारत समझ में आ रही है? तो कहते हैं वह वजहू, और वजह इसकी यह है कि अन्नहू इज़स्तग़ना, इसलिए क्योंकि जब बच्चा बेनियाज हो गया, यहताजु इला तअद्दुबी व तखल्लुकी बि आदाबिर रिजाली व अखलाकिहिम, तो वह मोहताज हो गया कि वह मर्दों के आदाब सीखे और मर्दों के अखलाक सीखे। वल अब अकदरु अला तादीबी व तस्कीफ, और बाप जो है वो ज्यादा कादिर है अला तादीबी, अदब सिखाने पर। व तस्कीफ, तस्कीफ बैसा के साथ, इसका माना है मुहज्जब बनाना, सक्कफा युसक्किफु तस्कीफन का माना है मुहज्जब बनाना, तालीमी याफ्ता बनाना। तो कहते हैं वल अब अकदरु अला तादीबी व तस्कीफ, और बाप जो है वो ज्यादा कादिर है अदब सिखाने पर और मुहज्जब बनाने पर। वल खसाफ रहिमहुल्लाहु तआला कद्दर अल इस्तिग्ना अबी सबई सिनीना एतबारन लिल गालिब, और इमाम खसाफ जो हैं उन्होंने कद्दर अल इस्तिग्ना, उन्होंने बेनियाजी का अंदाजा लगाया है बी सबई सिनीना, सात सालों के साथ। तो इमाम खसाफ रहमहुल्ला जो हैं उन्होंने अंदाजा लगाया है इसका, इस बेनियाजी का अंदाजा लगाया है सात साल के साथ, कि जब लड़का सात साल का हो जाता है तो अब वो बेनियाज हो जाता है, वो अकेला खा पी सकता है, वो अकेला कपड़े बदल सकता है, वो अकेला इस्तिंजा कर सकता है, आम तौर पर इसी तरह होता है भाई। तो कहते हैं वल खसाफ रहमहुल्ला, और इमाम खसाफ रहमहुल्ला कद्दर अल इस्तिग्ना, उन्होंने बेनियाजी का अंदाजा लगाया है बी सबई सिनीना, सात सालों के साथ। एतबारन लिल गालिबी, गालिब का एतबार करते हुए कि आम तौर पर इसी तरह होता है भाई। यहां इमाम खसाफ का जिक्र आया, याद रखो इमाम खसाफ रहमहुल्लाह ताला अहनाफ के बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं भाई, बहुत बड़े फकीह हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं भाई। और ये खसाफ भाई, खसाफ अरबी जुबान में मोची को कहते हैं, ये चूंकि मोचियों का काम करते थे और खुद अपने हाथ से कमाते थे अपने लिए, तो ये किस नाम से मशहूर हो गए? इमाम खसाफ के नाम से। और याद रखो इनकी तारीख वफात है 261 हिजरी, 261 हिजरी, यानी ये मुतकद्दिमीन फुकहा में से हैं भाई। तो कहते हैं वल खसाफ कद्दर अल इस्तिग्ना अबी सबई सिनीना एतबारन लिल गालिबी, और इमाम खसाफ रमला ने लड़के की बेनियाजी का अंदाजा लगाया है सात साल के साथ, गालिब का एतबार करते हुए। वल उम्म वल जद्दतु अहक्कु बिल जारियति हत्ता तहीजा, तो यहां तक आपको पता चल गया
कि मां, नानी, दादी, बहनें, खाला और फूफियां बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार हैं 7 साल की उम्र तक। 7 साल की उम्र के बाद बाप जबरदस्ती उनसे ले सकता है क्योंकि अब बच्चा तालीम और तरबियत का मोहताज है भाई। अब लड़की की बात कर रहे हैं, कहते हैं वल उम्मू वल जद्दतु अहक्कु बिल जारियति हत्ता तहीजा। भाई पहले इसको समझ लें, याद रखें, अगर वो सगीरा है यानी लड़की है तो मां और दादी नानी वो इस सगीरा की परवरिश की हकदार हैं इसके बालिगा होने तक। इसके बालिगा मतन में आपको यह बताएंगे कि मां और दादी नानी ये इस लड़की की परवरिश की ज्यादा हकदार हैं इसके बालिगा होने तक। लेकिन याद रखो फतवा इस पर है, वो भी आगे साहिब हिदायत जिक्र फरमाएंगे, फतवा इस पर है कि जब लड़की काबिले शहवत हो जाए यानी 9 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसके बाद अब बाप उसको जबरदस्ती ले सकता है क्योंकि अब उसको हिफाजत की और शादी की हाजत पेश आने वाली है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल उम्मु वल जद्दतु अहक्कु बिल जारियति हत्ता तहीजा, और मां और दादी नानी जो हैं वो लड़की की ज्यादा हकदार हैं हत्ता तहीजा, यहां तक कि उसको हैज आने लगे यानी बालिगा हो जाए। लिया न बाद अल इस्तिग्नाई, इसलिए क्योंकि बेनियाज होने के बाद, भाई 7 साल में तो ये बेनियाज हो जाएगी जी। सारे काम खुद कर सकेगी लेकिन फिर भी इसको औरतों के आदाब सीखने की हाजत है। इस लड़की को औरतों के आदाब और तौर तरीके सीखने की हाजत है और उस पर औरत ज्यादा कादिर होती है, लिहाजा ये मां या दादी नानी के पास ही रहेगी। तो ये तो मतन में है, अलबत्ता आगे बताएंगे कि 9 साल की उम्र में बाप ले सकता है भाई। तो कहते हैं लिया अन्ना बाद अल इस्तिगनाई, इसलिए क्योंकि ये जो लड़की है बेनियाज होने के बाद तहताजु इला मारिफती आदाबिन निसाई, ये मोहताज होगी औरतों के आदाब जानने की। वल मरअतु अला दालिका अकदरु, और औरत इस पर ज्यादा कादिर है। व बादल बुलूगी, और फिर बालिगा होने के बाद तहताजु इला तहसीनी वल हिफ्जी, फिर ये मोहताज होगी इला तहसीनी, तहसीन भाई हस्सना यु हस्सिनु तहसीनन स्वाद के साथ, इसका माना हिफाजत करना भी, और इसी तरह तहसीन का एक माना है औरत की शादी करवाना। इसी तरह तहसीन का एक माना क्या है, शादी करवाना भी। तो यहां यही माना कर लेंगे, कहते हैं वबादल बुलूगी तहताज इला तहसीन वल हिफ्जी, और बालिगा होने के बाद यह मोहताज है शादी की और हिफाजत की। तो बालिगा होने के बाद यह शादी और हिफाजत की मोहताज है और उस पर बाप ज्यादा कादिर होता है, लिहाजा बालिग होने के बाद बाप के हवाले किया जाएगा। तो तहसीन का क्या माना हमने किया, शादी के, और शादी के जरिए भी लड़की महफूज हो जाती है तो इसमें भी हिफाजत वाला माना है। तो कहते हैं व बादल बुलूग तहताज इला तहसीन वल हिफ्ज़, और बालिगा होने के बाद ये लड़की अब मोहताज होगी इला तहसीन शादी की वल हिफ्ज़ और हिफाजत की। वल अब फीही अकवा व अहदा, और बाप इसके अंदर ज्यादा कवि है और ज्यादा समझदार है हिफाजत और शादी के मामले में। वान मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहा तुदफाउ इलल अबी, कि लड़की जो है वो बाप के हवाले कर दी जाएगी। इदा बलगत हद शहवती, जब वो शहवत की हद तक पहुंच जाए यानी काबिले शहवत हो जाए और वो 9 साल की उम्र है तो फिर बाप के हवाले कर दी जाएगी। लितहक्कुकिल हाजति इलस सियानति, इसलिए क्योंकि हाजत पेश आ गई है इलस सियानति हिफाजत की, कि अब इसकी हिफाजत की जाए क्योंकि ये काबिले शहवत हो चुकी है भाई। और इसी पर याद रखो फतवा है भाई, मतन में तो आया कि बालिगा होने के बाद बाप के हवाले की जाएगी लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की एक रिवायत में क्या आया कि जब काबिले शहवत हो जाए तो अब यह बाप के हवाले की जाएगी क्योंकि अब इसे हिफाजत की जरूरत है और उस पर बाप ज्यादा कादिर है। और इसी पर फतवा है भाई, वमन सिवल उम्मी वल जद्दति अहक्कु बिल जारियति हत्ता तबलुगा हद्दन तश्तही। अच्छा भाई, ये तो था मां और दादी नानी के बारे में, लेकिन अगर सगीरा मां और नानी दादी के अलावा किसी और के पास है, मसलन बहनों के पास है,
उनकी परवरिश में है या खाला की परवरिश में है या फूफी की परवरिश में है, तो फिर इस सूरत में इसको कब बाप के हवाले किया जाएगा। अब वो बयान कर रहे हैं, कहते हैं वमन सिवल उम्मी वल जद्दती, और मां और दादी नानी के अलावा जो हैं, अहक्कु बिल जारियति, वो लड़की के ज्यादा हकदार हैं, हत्ता तब लुगा हद्दन तश्तही, यहां तक कि लड़की पहुंच जाए हद्दन ऐसी हद तक, तश्तही कि जो शहवत वाली हो, कि वो शहवत की हद को पहुंच जाए, वफिल जामे सगीर हत्ता तस्तगनिया, और जामे सगीर के अंदर है हत्ता तस्तगनिया, यहां तक कि वो लड़की बेनियाज हो जाए, वो लड़की बेनियाज हो जाए, लिअन्नहा ला तकदीरु अला इस्तिखदामिहा वलिहादा ला तुआजिरुहा लिलखिदमती। मसला इन्होंने बतलाया आपको कि मां और दादी नानी के अलावा किसी और औरत की परवरिश में अगर सगीरा है, तो फिर जब वो शहवत की हद तक पहुंच जाए तो अब बाप उसका ज्यादा हकदार है। वजह इसकी ये कि अब उसको औरतों के आदाब सीखने की जरूरत है, यानी घर के कामकाज इसको सिखाने की हाजत है कि किस तरह खाना पकाया जाता है, किस तरह सफाई की जाती है, किस तरह कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, ये सारी चीजें जो औरतों के आदाब हैं उनको सीखने की अब इसको हाजत है भाई। और ये काम तो बगैर खिदमत लिए नहीं हो सकता, इनमें तो क्या करना पड़ेगा, खिदमत लेना पड़ेगी। और ये जो औरतें हैं इनको सगीरा से खिदमत लेने की शरअन इजाजत नहीं। मां और दादी नानी को तो इजाजत है, वो तो सगीरा से खिदमत ले सकती हैं, लेकिन ये जो बहनें हैं खाला या फूफी जो हैं, इनके लिए लड़की से खिदमत लेना जायज नहीं। तो जब ये खिदमत उससे नहीं ले सकती तो लिहाजा वो औरतों के आदाब कैसे सीखेगी भाई। लिहाजा इस वजह से अब बाप ज्यादा हकदार होगा इनके मुकाबले में भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा ला तकदीरु अला इस्तिखदामिहा, इसलिए क्योंकि ये औरतें कादिर नहीं हैं उस सगीरा से खिदमत लेने पर, वलिहादा ला तुआजिरुहा लिलखिदमती, और इसीलिए ये औरतें जो हैं इसको उजरत पर नहीं दे सकती खिदमत के लिए, तो ये उजरत पर नहीं दे सकती खिदमत के लिए। फला यहसुलुल मकसूद, लिहाजा वो मकसूद यानी औरतों के आदाब की तालीम वो हासिल नहीं होगा। बिखिलाफिल उम्मी वल जद्दती, बखिलाफ मां और दादी नानी के, लिकुदरती ही मां अलैहि शरअन, इसलिए क्योंकि उनको इस्तेखदाम पर कुदरत है, वो शरअन खिदमत ले सकती हैं इस सगीरा से भाई, और उजरत पर बतौर खिदमत के दे सकती हैं भाई। काला वल अमतु इदा आतकहा मौलाहा, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल अमतु इदा आतकहा मौलाहा, कि बांदी जब उसको उसका आका आजाद कर दे, व उम्मुल वलद इदा उतिकत, और उम्मे वलद जब उसको आजाद कर दिया जाए, कल हुर्रति फी हक्किल वलदी, ये भी आजाद औरत की तरह होगी अपने बच्चों के हक में। बांदी को आका ने आजाद कर दिया या उम्मे वलद को उसके आका ने आजाद कर दिया, तो ये अपने बच्चों के मामले में आजाद औरतों की तरह है। बांदी की जो औलाद होती है वो आका के ममलूका होती है, आका के वो गुलाम और बांदिया होते हैं, लेकिन अगर आका ने बांदी को आजाद कर दिया या उम्मे वलद को आजाद कर दिया, तो आप ये अपने बच्चों के मामले में आका से ज्यादा हकदार हैं, ये अपने बच्चों के मामले में आका से ज्यादा हकदार हैं, ये परवरिश करेंगी उसकी। कहते हैं लिअन्नहुमा हुर्रतानी आवान सुबूतिल हक्की, इसलिए क्योंकि ये दोनों आजाद हैं, आवान सुबूतिल हक्की, आवान वक्त को कहते हैं, आवान सुबूतिल हक्की हक साबित होने के वक्त, इसलिए क्योंकि ये आजाद हैं और इनका हक साबित हो गया है। लिअन्नहुमा हुर्रतानी आवान सुबूतिल हक़ी, इसलिए क्योंकि ये हक साबित होने के वक्त आजाद हैं, वलैसा लहुमा क़ब्ल अल-इत्क हक़ुन फिल वलदी, और नहीं है इन दोनों का हक बच्चे में आजादी से पहले, वलैसा लहुमा क़ब्ल अल-इत्क हक़ुन फिल वलदी, और ये जो बांदी है या ये जो उम्मे वलद है इनका हक नहीं है बच्चे में आजादी से पहले।
लिआजज़िहिमा अनिल हज़ानती, इसलिए क्योंकि ये दोनों परवरिश से आजिज हैं। बिल इश्तिगाल बिखिदमतिल मौला, आका की खिदमत में मशगूल होने की वजह से। व ज़िम्मियतु अहक़ु बिवलदिहल मुस्लिमी मा लम याक़िलिल अदियाना औ युखाफ़ अन यअलफल कुफ़्रा। व ज़िम्मियतु अहक़ु बिवलदिहल मुस्लिमी मा लम याक़िलिल अदियाना औ युखाफ़ अन यअलफल कुफ़्रा। एक जिम्मिया है, जिम्मिया है मसलन एक मुसलमान है, उसने एक जिम्मिया औरत के साथ यानी ईसाई या यहूदी औरत के साथ निकाह किया था और फिर इनसे इससे उसकी औलाद हुई और बाद में मियां बीवी के दरमियान जुदाई आ गई, तो इस सूरत के अंदर अब ये बच्चा जो है ये मुसलमान शुमार होगा, क्योंकि बच्चा जो है मां बाप में से जिसका दीन आला हो उस दीन पर शुमार होता है। और याद रखो कि ये जो बच्चा है आजादी और गुलामी में तो मां के ताबिया होता है, अगर मां आजाद है तो बच्चा भी आजाद शुमार होगा और अगर मां बांधी है तो बच्चा भी ममलूक शुमार होगा उसी आका का जिसकी ये मां बांधी है भाई, तो बच्चा भी उसी का ममलूक होगा। जबकि दीन के अंदर जो है मां बाप में से जिसका दीन बेहतर हो बच्चा उस दीन पर शुमार किया जाता है, तो मां जिम्मिया है और बाप मुसलमान है तो ये बच्चा भी मुसलमान शुमार होगा। तो अब ये जिम्मिया ये जो काफिरा है क्या ये भी अपने इस मुसलमान बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार है? तो साहिब हिदाय आपको बतलाएंगे कि हां ये जिम्मिया ये भी उस बच्चे की मां है लिहाजा ये बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार है, लेकिन उस वक्त तक जब तक बच्चा दीन को न समझने लगे। जब बच्चा दीन की बातें समझने लगे तो अब अब बाप उसको ले सकता है, क्योंकि अब खौफ है कि कहीं के कुफर की बातें बच्चे के जहन पर नक्श ना हो जाएं। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह जिम्मिया तो अहक बिवलदी हल मुस्लिमी, और जिम्मिया ज्यादा हकदार है अपने मुसलमान बच्चे की। मां लम याक़िल अदियाना, जब तक वो दीनों को समझने ना लगे। अदियान जमा है दीन की, यानी जब वो दीन की बातों को जब तक नहीं समझता उस वक्त तक मां ज्यादा हकदार है। औ युखाफ अन यअलफल कुफ्रा, अलिफा यअलफू के माने मोहब्बत करना। औ युखाफ, ये युखाफा इसको मनसूब पढ़ें भाई। औ युखाफ या ये खौफ हो कि अन यअलफल कुफ्रा, के बच्चा जो है कुफर से मोहब्बत करने लगेगा, कुफर की बातों से मोहब्बत करने लगेगा, तो फिर बाप जबरदस्ती ले सकता है। जब तक बच्चा छोटा है इन बातों को नहीं समझता तब तक तो ये जिम्मिया मां इसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है, लेकिन जब ये खौफ हो कि अब बच्चा कहीं कुफर की बातों को पसंद ना करने लगे तो फिर उस वक्त खावन इस बच्चे को उस औरत से ले सकता है। भाई भाई यहां यह इबारत आई, भाई देखिए इबारत, वह जिम्मियत अहक बिवलदी हल मुस्लिमी मालम याकिल अदियाना औ युखाफ अन यअलफल कुफ्रा। यहां औ युखाफ ये इबारत बजाहिर जुड़ती नहीं है भाई, इसलिए क्योंकि ये युखाफू का अतफ है या अकिल पर, और या अकिल पर लम दाखिल हो रहा है जजम दे रहा है, लिहाजा यहां पर भी युखाफ नहीं होना चाहिए युखाफ होना चाहिए, क्योंकि जजम की हालत में यह अलिफ गिर जाएगा। चुनांचे इसीलिए साहिब विकाया जो हैं यानी अल्लामा सदरुशरिया शारह विकाया जो हैं वो फरमाते हैं कि इस लफ्ज को युखाफ होना चाहिए भाई, ये क्या होना चाहिए, इसका युखाफ होना वाजिब है क्योंकि इसका अतफ या अकिल पर है और वो मजजूम है, तो ये भी मजजूम होगा क्योंकि उस पर लम दाखिल हो रहा है भाई। तो वो फरमाते हैं इबारत यूं होनी चाहिए, वह जिम्मियत अहक बी वलदी हल मुस्लिमी मा लम याकिल अदियाना औ युखाफ अन यअलफल कुफ्र, जब तक वो दीन को न समझने लगे और जब तक ये खौफ ना हो कि वो कुफर से मोहब्बत करने लगेगा, तो वो फरमाते हैं कि ये यखफ होना चाहिए। तो मालूम हुआ ये किसी लिखने वाले से गलती हुई है, लेकिन दीगर शारहीन फरमाते हैं कि इस औ को इला अन के माना में कर लें। आपने नहव के अंदर पढ़ा है कि कभी 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 औ जो है इला अन के माना में भी आता है, जैसे कहते हैं लअल्ज़मन्नका औ तुअतियनी हक्की, लअल्ज़मन्नका मैं तुम्हारे साथ लाजिम रहूंगा
औ तुअतियानी हक्की ऐ इला अन तुअतियानी हक्की, यहां तक कि तुम मुझे मेरा हक दे दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा यहां तक कि तुम मेरा हक मुझे दे दो। तो यहां मालूम हुआ औ जो है ये इला अन के माना में है। तो शारहीन फरमाते हैं कि ये औ भी किस माना में कर लें, इला अन के माना में कर लें। तो गोया गोया इबारत यूं हो गई, वह जिम्मियत व हक बिबलदी हल मुस्लिम मालम याकिल अदियाना औ यू खाफ अलफल कुफर, कि वो मां उस मुसलमान बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार है, मां लम याकिल अदियाना जब तक वो दीन की बातों को न समझने लगे। औ की जगह इला अन ले आए, इला अन यू खाफा, यहां तक कि यह खौफ होने लगे अलफल कुफर के वो कुफर से मोहब्बत करेगा। तो दीगर शारहीन ने यह कहा कि यह औ बमाने इला अन के है, लेकिन बहरहाल ज्यादा जाहिर बात वही है वो जो शारह विकाया ने फरमाई भाई कि ये यू खफ होना चाहिए, ये यू खफ होना चाहिए। तो बहरहाल ये दो अलग चीजें हैं, दीन का समझना और कुफर से मोहब्बत करना, ये अलग अलग चीजें हैं। दीन का समझना, जरा ज्यादा समझदार होगा बच्चा तब वो दीन की बातों को समझेगा, और कुफर से मोहब्बत करना ये तो दीन की बातों को समझने से पहले भी हो सकता है। बच्चा मां को देख रहा है एक चीज काम करती है बार बार, तो वो बात उसके दिल में नक्श हो जाती है, वो उसे मोहब्बत करने लगता है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह जिम्मियत अहक बिबलदी हल मुस्लिमी मालम याकिल अदियाना, और जिम्मिया अपने मुसलमान बच्चे की ज्यादा हकदार है। मालम याकिल अदियाना जब तक वो दीन की बातों को न समझने लगे, आव यो खाफ अलफल कुफरा, या जब तक ये खौफ हो कि कुफर से वो मोहब्बत करेगा, लिन नजरी कबला जालिका वहतेमाल जररी बादहू, लिन नजरी कबला जालिका, इसलिए क्योंकि इससे पहले इसमें शफकत है दीन की बातों को समझने से पहले और कुफर के खौफ से पहले, इस शफकत इसमें है कि बच्चा किसके पास रहे, मां के पास रहे, और इन चीजों के बाद अब इसमें बच्चे का नुकसान है, लिहाजा अब बाप ज्यादा हकदार होगा। यह माना है लिन नजरी कबला जालिका, इससे पहले शफकत होने की वजह से, वहतिमाल जररी बादहू, और इसके बाद जो है नुकसान का एहतमाल होने की वजह से, इससे पहले तो शफकत यह थी कि बच्चा मां के पास रहे, लेकिन जब ये चीजें पेश आ गईं, अब वो दीन समझने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कुफर की बातें उसके जहन में नक्श होना शुरू हो जाएं, तो अब ये कुफर की बातें समझ रहा है, ये कहीं कुफर की बातें को ये पसंद ना करने लगे, तो अब इसके अंदर बच्चे का नुकसान है, लिहाजा अब इसको बाप के हवाले किया जाएगा। वला खियारा लिल गुलामी वल जारियती, और लड़के और लड़की के लिए कोई इख्तियार नहीं होगा। भाई देखिए, आपको साहिब हिदाया ने बतलाया कि लड़के की 7 साल की उम्र तक मां उसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है, और लड़की की 9 साल की उम्र तक मां उसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है। तो उसके बाद अब लड़के और लड़की को बाप के हवाले किया जाएगा, उसके बाद इनको इख्तियार नहीं दिया जाएगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अब भी लड़के या लड़की को इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसके पास रहना चाहता है। लड़का 7 साल का हो चुका है और लड़की 9 साल की हो चुकी है, अब इनको इख्तियार दिया जाएगा वो किसके पास रहना चाहते हैं। अगर वो मां के पास रहना चाहते हैं तो मां के पास ही रहेंगे, और अगर वो बाप के पास रहना चाहते हैं तो बाप के पास रहेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन हमारे नजदीक नहीं भाई, कहते हैं वला खियार अलिल गुलामी वल जारियती, और कोई इख्तियार नहीं होगा लड़के और लड़की के लिए। वकाल शाफी रहमहुल्लाहु लहुम अल खियारु, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इनको इख्तियार होगा। लिया नबी अलैहि सलाम खियारा, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने इख्तियार दिया था। अच्छा भाई, ये हदीस के अंदर आता है कि एक शख्स मुसलमान हो गए और उनकी जो बीवी थी वो मुसलमान नहीं हो रही थी, तो फिर वो अपने बेटे को हुजूर अलैह सलाम के पास लेकर आए, उनका बेटा था छोटा, तो हुजूर अलैह सलाम ने एक तरफ बाप को बिठाया और एक तरफ मां को बिठाया, और फिर बच्चे को इख्तियार दिया कि वो जिस तरफ जाना चाहता है। तो वो बच्चा वो पहले कहते हैं मां की तरफ चल पड़ा, और मां तो काफिरा थी भाई, तो फिर हुजूर अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हदीही, अल्लाह इसकी रहनुमाई फरमा, तो चुनाचे फिर बच्चा मुड़कर बाप की तरफ चला गया भाई।
तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बच्चे को इख्तियार दिया था। तो कहते हैं लिअन्न नबी अलैहिस्सलाम खय्यरा, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया था। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु लिकुसूर अक्ली ही, कि जो सगीर है ये अपनी अकल की कमी की वजह से, यख्तार मन इंदहु दातु, ये इख्तियार करेगा उसको जिसके पास इसकी राहत होगी। ये मां बाप में से उसको इख्तियार करेगा जिसके पास इसके लिए आसानी और राहत होगी, जो इसको ज्यादा खेलने देता है, टोकता वगैरह नहीं, तो ये तो उसी की तरफ जाएगा भाई, क्योंकि इसकी अकल तो नाकिस है। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु लिकुसूर अकली ही, कि ये सगीर जो है ये अपने अकल के नाकिस होने की वजह से, यख्तार मन इंदहु दातु, ये इख्तियार करेगा उसको जिसके पास इसके लिए राहत होगी। दाह भाई दाह, दातुन वदा या दाउ, दातन का माना है राहत होना, आसानी होना। तो कहते हैं यख्तार मन इंदहु दातु, ये इख्तियार करेगा उसको जिसके पास इसके लिए राहत होगी। लि तखलियती ही बैनहु व बैन अल्लाबी, इसलिए क्योंकि वो जो है इसको आजाद छोड़ देता है खेलने के लिए, वो बच्चे को खेलने के लिए आजाद छोड़, तो जो बच्चे को ज्यादा खेलने के लिए आजाद छोड़ता होगा बच्चा तो उसकी तरफ चला जाएगा, हालांकि इसमें तो बच्चे का कोई फायदा नहीं, इसका नुकसान है भाई। तो कहते हैं लि तखलियती ही बैनहु व बैन अल्लाइबी, इसलिए क्योंकि वो उस बच्चे को खेलने के लिए आजाद छोड़ देता है। फला यतहक्कुन नजरु, तो इसके अंदर शफकत साबित नहीं होगी। वकद सहा, और तहकीक के बाद सही तौर पर साबित है कि अन्न सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम लम युखय्यिरु, कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने लम युखय्यिरु, उन्होंने बच्चों को इख्तियार नहीं दिया। व अम्मल हदीसु, और बाकी जो हदीस है, फकुल ना, तो हम कहते हैं इसके जवाब में कि कद काल अलैहि सलातु वस्सलामु अल्लाहुम्मा हदीह, कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया था, उन्होंने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हदीही, कि अल्लाह इसकी रहनुमाई फरमा। फवुफ्फिक़ लिख्तियारिही अनज़रा बिदुआइही अलैहि सलाम, फवुफ्फिक़ा, तो उस बच्चे को तौफीक दे दी गई, लिख्तियारिही, कि वो इख्तियार कर ले, अल अनज़रा, जिसमें ज्यादा शफकत है, भी दुआ ही हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से। तो कहते हैं फवुफ्फिक़ल इख्तियार ही अनज़रा भी दुआ ही अलैहिस्सलाम, बस बच्चे को जो ज्यादा शफकत वाला था उसके इख्तियार करने की तौफीक दे दी गई हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। तो हम ये हदीस का जवाब देते हैं कि वहां चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी थी, इसलिए बच्चे को तौफीक दे दी गई। औ युहमलु अला मा इदा काना बालिगा, या इसको महमूल किया जाएगा उस सूरत पर जबकि बच्चा बालिग हो, बच्चा बालिग है तो अब उसको इख्तियार होगा जी। अब याद रखो, हमारे नजदीक भी जब बच्चा बालिग हो तो उसको इख्तियार है, वो मां या बाप में से जिसके पास रहना चाहे रह सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।